अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पेशर एजुकेशन पे। तो आज फिर से शुरू करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मॉडल पेपर। तो ये आपके स्क्रीन पे मैं पहला क्वेश्चन लगा रहा हूँ। क्या आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्वेश्चन विजिबल है और आप सभी को वॉइस मेरी आ रही है? कैन यू हियर मी? वॉइस आ रही है? ओके, तो आप सभी सुन पा रहे हैं? आप लोग कमेंट करें। अभिमन्यु जी, गुड इवनिंग। क्या आप सभी क्वेश्चन देख पा रहे हैं? चलिए शुरू किया जाए। क्वेश्चन विजिबल है आप सभी को या नहीं, आप लोग कमेंट करें। ओके, कुछ ब्लू वाले में, ब्लू कलर में शायद प्रॉब्लम आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट टाइम पे कलर चेंज करवा देंगे, नो इशू। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा गया है, यदि पांच संख्याओं का औसत नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, ये औसत नहीं है, ये योगफल है। योगफल है, क्लियर? यहाँ पे लिखा है, इफ सम ऑफ फाइव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज एस, देन लार्जेस्ट दो इंटीजर्स इन टर्म्स ऑफ एस। यदि पांच लगातार संख्याओं का औसत नहीं, यदि पांच संख्याओं का योगफल एस है, तो एस के संदर्भ में सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये आपको बताना है। ओके, अब मन्यु जी बोल रहे हैं कि इधर साइड में, उस दिन क्या है, हमने इधर साइड में लगाया था, तो काफी लोग कमेंट कर रहे थे नहीं इधर साइड में सर लगाया करिए। चलिए नेक्स्ट टाइम हम इधर साइड में लगा देंगे, आप आज का सेशन ऐसे अटेंड कर लो, ठीक है? तो यहां पे कहा जा रहा है, तो पांच का आप ए बी सी डी ई, ये पांच संख्याएं मान लो, तो इनका जो औसत होता है, कोई भी अगर सक्सेसिव नंबर्स हैं जिसमें गैप बराबर बराबर दिया गया है, तो उनका जो एवरेज होता है वो होता है फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का योगफल बाई टू। दूसरा तरीका होता है योगफल औसत निकालने का, जो बीच का नंबर होता है वो आपका औसत होता है, बीच का नंबर होता है वो आपका औसत होता है। अगर संख्या क्या है, ऑड नंबर, मतलब जो संख्याएं दी गई टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स जो है ऑड नंबर, तो यहाँ पे ऑड नंबर ये पांच है, पांच में तो आपका जो बीच वाला संख्या है ये आपका औसत हो जाएगा। क्लियर? ये औसत हो गया। सबसे पहले क्या, इनका योगफल दिया, योगफल कितना दिया, एस। अगर योगफल एस है तो आपका औसत कितना हो जाएगा, एस बाई फाइव, एस बाई फाइव। क्लियर हो गया यहां तक? एस बाई फाइव आपका योग औसत हो जाएगा। अब ये कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, मतलब लगातार संख्याएं हैं, तो सभी में कितने कितने का अंतर रहा होगा, एक एक का अंतर रहा होगा। तो एक यहाँ पे बढ़े तो डी पर पहुंचे, फिर एक यहाँ पे बढ़े तो हम ई पर पहुंच गए। तो लार्जेस्ट नंबर तक पहुंचने में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा सी में, तो आपने कहा टू ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर हो गया एस बाई फाइव प्लस टू। इसको देखो कहीं लिखा गया है, तो आपने कहा इसको अरेंज कर लेते हैं, एलसीएम ले लिया, कितना है 10 हो गया, ये बाई फाइव हो गया, तो आपका जो आंसर आया है वो आया एस प्लस 10 बाई फाइव। क्लियर है? नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन लगा रहे हैं। आप ये क्वेश्चन देखो, यहां लिखा जा रहा है थ्री स्क्वायर रूट टू प्लस थ्री, सॉरी ये लिखा गया थ्री स्क्वायर रूट टू, थ्री स्क्वायर रूट सेवन और सिक्स रूट फाइव और टू रूट ट्वेंटी, इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है ये आपको बताना है, इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है ये आपको बताना है। तो यहां पे आपको क्या करना है, कभी भी इस सबकी पावर सेम ही है ना, स्क्वायर रूट दिया गया तो सबका स्क्वायर कर दो, टोटल का स्क्वायर कर दो, क्या है यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, यानी स्क्वायर रूट हट जाएगा। दूसरा तरीका है इसको इसके अंदर ले जाओ, अंदर ना ले जाके हम सबका स्क्वायर ही कर दे रहे हैं बस, ठीक है? अगर कभी आप स्क्वायर करते हो तो एक बात जरूर ध्यान रखना, मान लो कल को यहाँ पे नेगेटिव लगा होता, मान लो यहाँ पे नेगेटिव लगा होता तो आप स्क्वायर करते तो ये प्लस हो जाता, लेकिन आपको प्लस नहीं लगने देना क्योंकि आपको कंपेयर करना है, उसको माइनस का माइनस ही बने रहने देना, ठीक है? अगर मान लो कभी इन केस नेगेटिव होता तो,
अभी यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 × 2, 9 × 2 = 18 हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 × 7 कितना है, 63। इसका स्क्वायर करेंगे 36 × 5 कितना हो जाएगा, 180। इसका स्क्वायर करेंगे 4 × 20 कितना आएगा, 80। अब इसमें जो भी लार्जेस्ट, वही आपकी संख्या लार्जेस्ट हो जाएगी, 180 सबसे बड़ी है, तो आपका संख्या जो लार्जेस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6√5। 6√5 आपका आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6√5। ओके चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। देखो मैं कहना क्या चाह रहा था आप देख लो जरा, जैसे मान लो कल को अगर कंपेयर आपसे ये कराया होता 3√2, 3√5 है ना, 4√7 और यहाँ पे कोई भी मान लिख देता 11√3, यहाँ माइनस लगा देता, क्लियर। अब आपसे कहा जाता कि आपको इसमें मैक्सिमम नंबर बताओ, तो आपको मैंने बताया आप स्क्वायर कर दो, आप इसका स्क्वायर करते पहले वाले कितना आएगा, 9 × 2 = 18। इसका स्क्वायर करते कितना आता, 9 × 5 = 45। इसका स्क्वायर करते कितना है, 4 × 16, 16 × 7, क्लियर। तो ये हमारा मान आता, सही से लिख दे रहे, 16 × 7 करेंगे कितना आएगा, 7 × 42 का 2 और 4 बचा, 7 × 7 और 4 = 11, 112 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, ये इसका स्क्वायर करो आगे जाएगा 121 × 3 है ना, लेकिन हमारा जो मान है स्क्वायर में ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस लगा है, तो जब कभी कंपेयर करो आप तो यहाँ पर माइनस जरूर लगा लेना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप वैसे तो ये बड़ा हो जाता, लेकिन क्या माइनस लगा इसलिए ये छोटा हो जाएगा, सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा, 112, मतलब 4√7 यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बेसिक ही क्वेश्चन है, जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आने वाले हैं, जैसे आ रहे हैं अभी तक, तो यहाँ पे लिखा गया a 3:2 बी 2:2 है, तो आपको 2a + 3b + 3a - 2b का मान बताना है, तो आपको क्या करना है, 2a, तो यहाँ पे a का मान 3:2 दिया गया है और b का मान 2:2 दिया गया, आप इसकी वैल्यू रख दो, तो कितना आएगा, 3 × 2 × 3 कितना हो गया, 6 + 3, ये वाला 2 रखोगे, 3 × 2 ये भी 6 हो गया, डिवाइड बाई ये 3 × यहाँ पे a का मान 3 हो गया, 3 × 9 हो गया, माइनस 2 × 2 है तो कितना आएगा, 4, ये वैल्यू कितनी आ गई, 12 डिवाइड बाई यहाँ पे आ गया 5, तो 12 डिवाइड बाई 5 यहाँ पे ऑप्शन देखो कौन सा आ गया, ए वाला आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट वन देखा जाए, अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा चेंजेज किए जा रहे हैं, नेक्स्ट वीक से फॉलो किया जाएगा, RRB NTPC के लिए हम लोगों ने प्लान किया है, RRB NTPC एंड ग्रुप डी का है ना, तो इसके लिए हम लोगों ने प्लान किया है, हम आपको नेक्स्ट डे पे बताएंगे क्या शेड्यूलिंग रहेगी, उसमें आपको रीजनिंग भी पढ़ाई जाएगी, मैथ्स भी पढ़ाई जाएगी, साइंस भी पढ़ाई जाएगी, देन उसके इन तीनों सेशन के बाद में आपका मैथ्स का सेशन होगा, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए होगा, ठीक है, फिर इसके बाद में आपका GK GS का भी होगा, ठीक है। तो अभी तक इतना हम लोगों ने शेड्यूल किया, इसकी टाइमिंग आपको जल्दी जल्दी बता दी जाएगी सारी चीज़ों की। अब ये आपने सोचा कि मैथ्स, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैथ्स आपने यहाँ पे रखा है, इसका मतलब इसका टाइम चेंज हो सकता है क्या, तो जी बिल्कुल इसका टाइम थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम मैथ्स रेलवे की रख रहे हैं, ठीक है। तो अब बताएंगे आपको हम कि क्या चेंजेस करने वाले हैं, आपको कल तक आपका शेड्यूल मिल जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एक्स संख्या का औसत वाई है और वाई संख्याओं का औसत एक्स है, तो कुल सभी संख्याओं का औसत एक साथ कितना होगा, है ना। ओके विजय जी कह रहे हैं एक बार दोबारा बता दीजिए, आराम से देखते हैं, ठीक है, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि शायद वैल्यू कुछ इधर उधर हो गई होगी, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे लिखा 3a, 3 × a का वैल्यू कितना है, a का 3:2, तो हमने यहाँ पे 3 रख दिया, प्लस सॉरी पहले क्या था, 2 था, यहाँ लिखा 2, तो 2a, तो a का वैल्यू कितना है 3, तो इंटू में 3 कर दिया, प्लस 3b, तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 2, तो इंटू में हमने 2 कर दिया, क्लियर, डिवाइड बाई a,
3a, a का मान कितना है 3, तो हमने 3 रख दिया। माइनस 2b, b का मान कितना है 2, तो हम यहाँ पे 2 रख दे रहे हैं। अब देख लो जरा ये कितना आ गया, 3 दुनी 6 कितना होगा 6 12, यहाँ पे कितना आएगा 3 3 9 और उसमें से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा 5, तो हमारी वैल्यू आ गई 12/5। आई होप अब आप सब लोग समझ पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। देखते हैं जरा, अभी मंडे से आपको शेड्यूल नया मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो जो संख्या है नंबर, ये इनका एवरेज ये दिया गया है और हम सम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो x संख्याओं का औसत, x संख्या का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो सबसे पहले नंबर इंटू एवरेज, n इंटू एवरेज करते हैं तो हमारा योगफल आ जाएगा, n इंटू एवरेज करते हैं हमारा योगफल आ जाएगा, यहाँ का योगफल कितना आ गया एक्स वाई, यहाँ भी n इंटू एवरेज करेंगे तो हमारा योगफल आ जाएगा कितना है एक्स वाई, तो जो टोटल सम है वो कितना हो गया 2xy, टोटल सम कितना हो गया है, ये हो गया 2xy, क्लियर है। अब अगर हम टोटल संख्या का योगफल निकालें, कितनी संख्याएं हो गई, तो संख्या का योगफल क्या हो गया x प्लस वाई, x प्लस वाई ये टोटल संख्या हो गई, टोटल नंबर हो गई, तो आपका जो औसत होता है, जो एवरेज होता है किसी संख्या का, वो होता है टोटल सम ऊपर और टोटल संख्या नीचे, टोटल नंबर नीचे, तो सम कितना आ गया है 2xy और आपका टोटल संख्या कितना आ गया है x प्लस वाई, तो आपका ये मान हो गया 2xy अपॉन में x प्लस वाई, क्लियर है यहाँ तक, सभी लोग समझ पाए। और एक चीज और आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे मान लो कल को इस तरीके की एक्स वाई वाले जो सवाल आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पे लोग थोड़ा सा परेशान होने लगते हैं, यार एक्स वाई आ गया, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। एक्स वाई आता है तो आपको ऐसा लगता है कि एग्जामिनर आपको मजबूर कर दिया एक्स वाई के लिए, लेकिन आप एक बात जान लो, अगर एक्स वाई आता तो सबसे आसान सवाल हो जाता है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान रख सकते हो, ठीक है। जैसे हमने कहा x, x का मान हम कुछ भी रख दे रहे हैं, ठीक है, आपकी मर्जी के अनुसार रख दे रहे हैं, x का मान कितना रख दिया 2 रख दिया, y का मान आप बता दो, जो भी बताओ वो हम रख दे रहे हैं, कहो 1 रख दें, कहो 3 रख दें, कहो 10 रख दें, जो भी आप बोलोगे हम वो वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो हम सपोज दैट क्या कर दे रहे हैं, वाई का वैल्यू कुछ भी जो आपके मन में आ रहा है वो रख लो, ठीक है, तो हम एक ही रख दे रहे हैं, सबसे आसान है ना। तो एक्स, एक्स मतलब दो संख्याओं का औसत कितना है वाई, x मतलब दो, दो संख्याओं का औसत y है, तो आपने कहा दो संख्याओं का औसत दिया गया है y, मतलब एक, और एक संख्या का औसत दिया गया है 2, ठीक है। तो हम पहले युगफल निकाल लेते हैं, 1 2 × 1 कितना आ गया 2 और 1 × 2 कितना आ गया 2, ठीक है, तो टोटल कितना आ गया सम 4 और यहाँ पर टोटल संख्या कितनी आ गई 3, तो हम क्या लिखेंगे, हमारा जो आंसर आएगा टोटल सम डिवाइड बाई टोटल नंबर कितना 4/3। अब हम यही वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, जहाँ भी सेटिस्फाई कर देंगे, x प्लस वाई करते तो हमारा कितना आएगा 3, ऊपर 3 आ रहा था, 3 का मल्टीपल तो नहीं ऊपर होना, ऊपर तो 4 का मल्टीपल होना, तो x प्लस वाई तो नहीं होगा, x स्क्वायर करते कितना आएगा 4, वाई स्क्वायर करते 1, 4 1 5 5 का मल्टीपल आएगा ऊपर, वो भी नहीं हो सकता। अब यहाँ देखते हैं, x इंटू वाई करेंगे कितना आएगा 2 और 2 × 2 करेंगे कितना आएगा 4, यहाँ पर करेंगे 2 तो ये 2 रहेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता 2 वाला, क्योंकि अपॉन में कुछ भी आएगा मतलब नहीं, तो अब यहाँ पे अपॉन करेंगे x प्लस वाई कितना का 3, तो यही तो ऑप्शन हो पाएगा, क्लियर है। सौरभ जी कह रहे हैं ये वाला नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, आप हो सकता है ये वैल्यू पुटिंग वाला समझ गए हो, अगर आप वैल्यू पुटिंग नहीं समझ पाए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको दोबारा समझा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं, चीज़ें नहीं समझ में आई, तब तक हम उसको कैसे वर्कआउट करेंगे, आपने बोला है तो हम तुरंत क्लियर करा दे रहे हैं आपको और आसान तरीके से हम लोग समझते हैं। एक्चुअली मेरे दिमाग में हम लोगों ने यह बना रखा है कि जब x और y आ जाएगा तो हम लोग वर्कआउट करना बंद कर देंगे, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ये संख्या हो गई, कितनी संख्याएं हैं, जैसे आपकी संख्या n होती है और औसत आपका एवरेज होता है, तो आपका जो योगफल होता है वो योगफल क्या बनता है, n इंटू एवरेज बनता कि नहीं, n इंटू एवरेज बनता है सम, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कही गई, कहा गया x अगर संख्याएं कितनी हैं, x हैं, उनका औसत y है तो हम y रख दे रहे हैं, तो इनके सापेक्ष योगफल कितना आ गया x इंटू वाई, है ना, n इंटू एवरेज।
अब ऐसे ही कहा गया, अगर वाई संख्याएं हैं उनका औसत एक्स हो, तो वाई संख्याएं ले लिया आपने और औसत कितना ले लिया, एक्स ले लिया, तो वाई इंटू एक्स कर देंगे कितना आएगा, एक्स इंटू वाई। क्लियर। अब टोटल सम निकाल लो, कुल योगफल निकाल लो, कुल योगफल कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ दो कितना आएगा, टू एक्स वाई, दो बार जोड़ा तो ये कुल योगफल आ गया। ठीक है, कुल योग आ गया। अब कुल संख्याएं कितनी हो गई, कुल संख्याएं, तो कुल संख्याएं जो हो गई वो हो गई x और y, दो जोड़ दिया तो x प्लस वाई, कुल संख्या x प्लस वाई हो गई। अब आप जानते हो कि किसी भी संख्या का जो औसत होता है, किसी भी ग्रुप का जो औसत होता है वो औसत क्या होता है, कुल योगफल ऊपर और कुल संख्याएं नीचे, कुल संख्याएं नीचे, तो कुल योगफल कितना आ गया है, टू एक्स वाई, है ना। अब कुल संख्याएं कितनी हो गई, x प्लस वाई, तो आपका औसत कितना बन गया, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। क्लियर है, आई होप अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, और आप कमेंट करके बताएं आपको समझ में आ गया क्या। नेक्स्ट वन देखा जाए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन टाइप हमने आपको करा रखा होगा। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है एक बाबू है और 100 विद्यार्थियों के एक परीक्षा के औसत अंकों की गणना करता है, वह गलती से 86 को 68 लिख देता है, 86 को 68 लिख देता है, जिससे इसके अंकों का औसत 58 हो जाता है। तो छात्रों के अंकों का वास्तविक औसत बताना है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इसमें और बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है। इसको क्या है, लोग लॉन्ग कट से लगाते हैं, हमें लॉन्ग तरीका कभी फॉलो नहीं करना। क्लियर, बहुत इजी तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सबसे पहले तो ये समझो कि संख्याएँ कितनी दी गई, संख्याएँ कितनी दी गई, तो आपने कहा 100 संख्याएँ हैं, इनका औसत कितना दिया गया है वो भी देख लेते हैं। तो आपने कहा इनका औसत जो कैलकुलेट किया गया है वो औसत है 58, वो औसत क्या है 58। लेकिन ये औसत जो कैलकुलेट किया गया ये तो गलत वाला हो गया ना, ये रॉन्ग वाला एवरेज है ना, बात समझ पा रहे, क्योंकि गलत हो गया ना यहाँ पे गणना, तो ये रॉन्ग वाला एवरेज हो गया, हमने ये रॉन्ग वाला एवरेज लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, असली वाला एवरेज, मतलब जो सही है औसत आपका, जिसको आप राइट औसत कहोगे, उसको आपको निकालना है। इसके लिए क्या करो, सिंपल सा, जो गलत चीज है उसको लिख लो एक साइड, जो सही चीज उसको लिख लो एक साइड। यहाँ पे एक ही संख्या में मिस्टेक हुई है, तो गलती से 86 को 68 लिख लिया गया, मतलब जो गलत है, जो गलत संख्या है वो कितनी है 68, और जो सही है वो क्या है 86। इंग्लिश में भी देख सकते हो, बाई मिस्टेक 68 इंस्टीड ऑफ 86, मतलब 86 की जगह पे 68 रख लिया गया। क्लियर, तो आपने कहा गलत हो गया 68, सही हो गया 86, तो सही अगर बढ़ रहा होगा तो औसत सही वाला बढ़ेगा, अगर सही वाला औसत घट रहा होगा, अगर सही वाली संख्या घट रही होगी तो औसत भी क्या करेगा, घटेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं गलत, गलत क्या है 68, सही क्या है 86 क्या है ज़्यादा है, इसका मतलब है ऑब्वियस सी बात, जो हमारा जो औसत आएगा वो ज़्यादा आएगा, इससे ज़्यादा आएगा, ज़्यादा आएगा मतलब जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा वो हम देख ले रहे हैं, कितना ज्यादा है ये, तो यहां से घटा देते हैं, 8 घटाया कितना आया, ये आया 8, यहां पे 1 तो आया 18 ज्यादा है, लेकिन 18 ज्यादा है टोटल में, 18 ज्यादा है टोटल में, तो आपका पर हेड कितना ज्यादा होगा, संख्याएं कितनी 100, तो 18 ज्यादा है टोटल में, तो पर हेड ज्यादा होगा 0.18, तो ये 0.18 यहां पे जोड़ दो, सॉरी 0.18 आप ऐड कर दो यहाँ पे, तो आपका वैल्यू 0.18 ऐड करने के बाद कितना आएगा 58.18, आपका न्यू एवरेज जो आ गया वो आपका होगा सिंपल सा 58.18। आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, और अगर किसी को नहीं समझ में आए तो आप क्विक कमेंट करें और पूछें, ताकि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ आपको। ओके, सभी लोगों को गुड इवनिंग, राम राम। यहाँ पे चेतना त्यागी जी ने सही करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने गलत कर दिया थोड़ा सा, क्या इन्होंने गलत को सही और सही को गलत लिख लिया। ठीक है, तो इनको जोड़ने की जगह पे इनका क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक, माइनस नहीं करना है चेतना जी, आपको ऐड करना है। क्लियर, क्यों ऐड करना, ये हमने आपको समझा दिया, अगर सही वैल्यू ज़्यादा है इसका तो सही वाला औसत भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, अगर सही वैल्यू कम होती तो आपका औसत भी जो सही वाला होता वो क्या हो जाता, कम हो जाता। क्लियर है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक दुकानदार 10 रुपए में 7 पेन की दर से
पेन खरीदता है और उन्हें 40% के लाभ पर बेचता है, तो वह ग्राहक को 10 रुपए में कितने पेन देता है ये आपको बताना है। इसके लिए हमने आपको बता रखा है कि आप इसमें क्या करो, रुपए फिक्स करके लगा रहे हो, ठीक है। जो रुपए हैं आप इनको अगर फिक्स करके लगा रहे हो तो जो आपको हम बताने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट वो आप याद कर लो, ठीक है। और अगर आप रुपए नहीं फिक्स कर रहे हो तो दूसरा तरीका भी हम आपको समझा देंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको रुपए फिक्स करके लगाते हैं। रुपए फिक्स करने का मतलब है जो वैल्यू है उसको फिक्स कर दे रहे हैं। तो वैल्यू क्या है, 10 रुपए, तो हम 10 रुपए को फिक्स कर देंगे, ठीक है। कहा गया 10 रुपए में कितनी संख्याएं खरीदा उसने, 7 खरीदा, मतलब अगर देखा है तो 0% प्रॉफिट हुआ ना, 0% प्रॉफिट या लॉस हुआ। अगर इतने में बेच दे तो इसका 0% प्रॉफिट या लॉस होगा ना, तो 0% प्रॉफिट या लॉस का फैक्टर आएगा 100/100, है ना, 100 में 0 जोड़ा बटे 100, क्लियर। अभी कह रहे 10 रुपए में कितनी वो बेचे यही निकालना है आपको, जिससे कि उसको लाभ हो जाए, कितना हो जाए 40% का, कितना हो जाए 40% का लाभ हो जाए, तो 40% का इंक्रीमेंट फैक्टर। तो आपने कहा 100 है यहाँ पे, 100 में 40 ऐड कर दो, कितना आया 140 बटे 100, ये क्लियर हो गया। अब आपका ये फैक्टर बन गया, ठीक है, ये फैक्टर बन गया आपका 40, ठीक है, 140 बटे 100। अब हम आपको बता रहे हैं कि जब कभी भी आप रुपए फिक्स कर दे रहे हो, इसको अगर फिक्स कर दे रहे हो तो आपका अगर आंसर निकालना बहुत ईजी होता है, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू तुरंत आ जाएगी। कैसे, जो दिया गया है वो लिख लो, और जो दिया गया उसके फैक्टर का सीधा गुणा कर दो, जो दिया गया उसके फैक्टर का सीधा गुणा कर दो, कितना है 100 बटे 100। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन लिख ले रहे हैं, ठीक है। इनटू में जो निकालना है उसके फैक्टर का उल्टा गुणा कर दो, जो निकालना है उसके फैक्टर का उल्टा गुणा कर दो, कितना आएगा 100 बटे 140। हालांकि ये तो दोनों कट ही गए होंगे आपस में, यहां से कट करते हैं तो ये एक जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 से कट कर देते हैं, कितना आएगा 7 × 2 = 14, 2 कट गया, 2 से कट करते हैं ये कितना है 5, इसका मतलब आपका आंसर आ गया सिंपल सा 5। तो कितनी वो पेन बेचे जो उसको 40% का लाभ हो जाए, कितना आएगा 5 पेन, कितना आएगा 5 पेन। आप लोग कमेंट करें फास्ट, अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आया है तो, है ना, इसमें क्या करना, नोट कर लेना आपको इस तरीके, जब कभी भी आप रुपए फिक्स कर रहे हो उस केस में लगेगा, क्या लगेगा, जो दिया गया है, ठीक है, उसके फैक्टर का सीधा गुणा कर दो, और जो निकालना है उसके फैक्टर का उल्टा गुणा कर दो, रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, आप लोग कमेंट करें अगर नहीं समझ में आया, देन आई विल एक्सप्लेन अगेन दिस मेथड। और अगर आप अपना मेथड देखना चाह रहे हैं तो मैं आपका अपना मेथड आपको भी बता दे रहे हैं, जो आप लगाते हैं, बहुत सारे लोग कैसे लगाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, ऐसे लगाते हैं 10 रुपए में कितना उसने खरीदा, 7, कितना खरीदा 7, क्लियर हो गया। तो अब वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये सीपी है, ठीक है, अब सीपी है वो इसको फिक्स करके लगाते हैं, तो हम कह रहे हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको फिक्स करके लगा ले रहे हैं, ये 7 रहा। अब हमको 40% का लाभ चाहिए, 40% का लाभ चाहिए, तो इसका 40% कितना हो गया 4, 10 का 40% कितना हो गया 4, इसका मतलब ये आ गया 14 रुपए, कितना आ गया 14 रुपए, 14 रुपए में कितना वो बेचे 7, 14 रुपए में कितना बेचे 7, क्लियर। तो 1 रुपए में कितना बेचे, ये बेचेगा 7/14 बेचेगा, क्लियर। तो आपसे कहा गया है कि 10 रुपए में कितना बेचे, तो सिंपल सा आ जाएगा 7/14 × 10। आप अगर देखोगे कंपेयर करोगे तो यही वैल्यू हमने एक साथ में लिख दिया था, ठीक है। अभी कट गया 7 × 2 = 14 हो गया, 2 से कट गया ये कितना है 5, तो आपकी वैल्यू आ गई 5 पेन, कितना आ गया 5 पेन। आई होप आप ये मेथड भी समझ पाए होंगे। इस वाले मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रुपए को फिक्स ना करते, ये रुपए को फिक्स नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे संख्या को फिक्स कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या फिक्स कर रहे हैं संख्या को। आप दोनों तरीके से लगा सकते हो, ठीक है, हमने आपको दोनों तरीका बता दिया है, जब आप रुपए फिक्स करते हो तो, और जब आप संख्या फिक्स करते हो तो, क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन यहां कहा जा रहा है, यदि 10 वस्तुओं की खरीद मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि बताना है। ये तो हमने आपको पिछली बार भी बताया था, सिंपल सा कहा गया 10 वस्तुओं का खरीद मूल्य मतलब सीपी, 10 वस्तुओं का खरीद मूल्य मतलब 10 का सीपी किसके बराबर है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, मतलब 16 के एसपी के बराबर। यहां से कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, ये कितना कटा 2 से, ये कहा गया 5, 2 से कट कर आया 8, तो सीपी का मान कितना आ गया 8:8 आ गया, और एसपी का मान कितना आ गया 5:5, क्लियर, एसपी का मान कितना आ गया 5:5।
अब आप सिंपल सा समझ लो, सीपी लगाया उसने 8 रुपए और पाया कितना 5 रुपए, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, हानि हो रही, तो आपका जो मान आएगा वो हानि आएगी, ठीक है। हानि परसेंटेज निकालना है, तो जितना हानि हो रही, हानि कितना रेशियो हो रही, 3 रेशियो की हानि हो रही, तो वो हानि ऊपर डिवाइड बाई सीपी, डिवाइड बाई सीपी, सीपी कितना 8, इंटू में 100 कर देंगे, तो 1/8 की वैल्यू 12.5 होती है, 3/8 की मतलब 3 गुना कर दो उसका, तो 37.5 हो जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 37 सही 1/2%, 37 1/2%, और ये है क्या हानि, हानि मतलब लॉस, क्लियर है। ओके वेल डन, बहुत अच्छे चेतना जी और बाकी सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपको एक टेबल हम याद करा दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा याद कर लो, लर्न कर लो, क्योंकि ये टेबल आपको बहुत काम आने वाली है, क्लियर। सबसे पहले टेबल किसकी है, 12.5% की, 12.5% की टेबल है, 12.5% फ्रैक्शन मान होता है 1/8, क्लियर। अब इसका हम ऑड मल्टीपल लिखेंगे, तो इसका हम सबसे पहले आधा कर लेते हैं, 1/16 कर लेते हैं, 1/16 मतलब इसका आधा, इसका 12.5 का आधा कितना हो जाएगा, 6/4%, ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू होती। और 12.5 का 3 गुना कर देते कितना आएगा, 37 1/2%, कितना आया, 3/3 गुना कर देना, 3/8, इसका 5 गुना कर देते कितना आएगा, 5 गुना कर देते तो हमारा कितना आएगा, सिंपल सा 62 सही 1/2%, कितना आएगा 5/8, इसका 7 गुना कर देते, 7 गुना करेंगे कितना आएगा, 87 सही 1/2%, केवल ऑड मल्टीपल देख रहे हैं, 7/8, तो ये वैल्यू अगर आपको याद होती, 3/8 का फ्रैक्शन वैल्यू 37 1/2 होता है, तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, आप इजीली तुरंत आंसर मार्क कर सकते थे 37 1/2%। अभी हम आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद करना भी सिखाएंगे, जब हम आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे, बहुत आसान तरीका हम आपको सिखाने वाले हैं। जैसे ये लिखा गया, ठीक है, 4/1/6 लिखा गया है, ठीक है, 4/1/6% लिखा गया, आपको कोई भी वैल्यू लिखी गई होगी, हम आपको इजीली कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू, 8/1/3% लिखा गया, ठीक है, 3/1/8% लिखा गया, या कुछ भी मान लिखा गया है, आप इजीली कैसे उसका आंसर निकालोगे, ये हम आपको बहुत आसान तरीके से बताने वाले, तो हम जब कभी आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कितना क्या, 4 4 24 1 25 25, 100 का कितने गुना है, 25 का कितने गुना 100 है, तो 4, तो ये जो लिखा है यही लिख दो, 1/4 लिखा, इसका 4 गुना कर दो, 1/16 आएगा इसका मान, ठीक है। जैसे ये 6 24 25 25 कितने का 4 गुना 100, तो आपने कहा 1/6 लिखा है, यही लिख दो, अपॉन में 4 कर दो, कितना 1/24 आएगा इसका आंसर, ठीक है, हम आपको बताएंगे, ठीक है, जब परसेंटेज पढ़ाएंगे। जैसे लिखा 8 24 25 25 मतलब उसका 4 गुना 100 होगा, तो आपका मान कितना 1/3, 1/3 का कितना कर दो 4 गुना, तो कितना आएगा 1/12 वैल्यू दी गई फ्रैक्शन में इसकी, ठीक है, ये हम आपको समझाएंगे, ठीक, 8 24 1 25, तो यहाँ पे कितना 1/8, और इसका कितना कर दो 24 का मतलब 25 मतलब 4 गुना कर दो 100 हो जाएगा, तो ये 1/32 का मान दिया गया। ऐसे कोई भी मान निकाल सकते हो, कोई भी वैल्यू, जैसे लाइक मान लो आपको कहा गया 16 से 2/3%, आपको नहीं वैल्यू याद होती, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका वैल्यू आ गया, कितना आया, ये फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है, ये 1/2/3 नहीं लिख देना है, यहाँ पे यहाँ भी 1/3 ही लिखना है, ठीक है ना, 1/3। अब यहाँ पे कितना 3 × 16 कितना आया आपका 48 + 2 = 50, 50 के कितने टाइम होता है 100, आपने 2 टाइम, तो आपकी वैल्यू आएगी 1/6, है ना। ऐसे हम आपको लर्न कराएंगे, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, कोई भी वैल्यू आप लर्न कर सकते हो। लाइक जैसे मान लो आपसे कहा जाए 13 सही 7/13 सही 7/13 सॉरी थोड़ा सा सुधार ले रहे हैं। मान लो कल को आपसे लिख दिया जाता 63 91, तो आपका आया 13 सही 7/13 पता नहीं क्या माइंड स्किप हो जा रहा है, हाँ लिख देते 13 सही, ओके चलो छोड़ो इसको, छोड़ ही देते, नेक्स्ट पेज पे लिखते तो माइंड वर्क करेगा, ठीक है, जल्दी लिया करो। जैसे मान लो कल को आपसे ऐसे लिखा जाता 28 सही 4/7, है ना, सॉरी गलत लिख गया, कोई वैल्यू हम लिख लेते हैं, एनी वैल्यू,
यही लिख देते हैं यार, छोड़ो, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा था आपको समझाना पड़ेगा इसलिए कर दिया था। आपने कहा ये कितना आया, सॉरी ये फिर से लिख गया यहाँ पे, दो ये हो गया चार, चार बटे सात। अब हम क्या करते हैं, इसका मान आएगा फ्रैक्शन में कितना, एक बटे सात, फ्रैक्शन में कितना, एक बटे सात। इसको नहीं मतलब होता, जो अकाउंट में लिखा वही लिख दो। अब कितना है सात, ये सात गुणे अट्ठाईस, सात गुणे अट्ठाईस और चार उसमें ऐड कर दो, सात गुणे अट्ठाईस कितना है, तो छप्पन प्लस चार कितना आ गया साठ, है ना, है ना, तो जीरो आ गया, ठीक है। और सात दूनी चौदह और छः कितना हो गया, चौदह और छः आपका हो गया आपका, सॉरी कितना हो गया, चौदह और छः बीस हो गया। तो आपका वैल्यू आया था ये कितना आया था, सॉरी जीरो आया था और ये बीस आया था, तो कितना आया था, दो सौ आया था, कितना आया था, दो सौ आया था। तो दो सौ, दो सौ सौ का डबल है, दो सौ सौ का डबल है, मतलब आपको इसको गुणा करना है दो से, तो आप इसको गुणा कर दोगे दो से, तो आपका आंसर आएगा दो बटे सात, कितना आएगा, दो बटे सात। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, जब हम आपको कभी परसेंटेज पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे, आप टेंशन बिल्कुल भी, मतलब चीज़ें आपको बताएंगे, आज हम सेशन कवर कर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है ए बी सी, क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी सैलरी है, ठीक है, इनका टुगेदर सैलरी जो दिया गया वो दिया गया 72,000, और ए अपनी सैलरी का कितना खर्च कर देता है, ये खर्च कर देता 80%, और बी खर्च कर देता है कितना 5%, और सी खर्च कर देता है कितना 75%, ये खर्च कर देते हैं मतलब एक्सपेंडिचर। तो इनकी सेविंग का मान क्या आएगा भाई, इनका फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 80% की कमी का फैक्टर, 80% की कमी का फैक्टर कितना आएगा, 20 बटे 100, 85% कमी का फैक्टर कितना आएगा, 15 बटे 100, है ना, 100 में 85 कम कर दिया, और 75% कमी का फैक्टर कितना आएगा, आपने कहा आएगा 25 बटे 100, क्लियर। ये हमारा मान, हम जो पहुंच गए हैं, ये हम कहाँ पे पहुंच गए, सेविंग पे, और सेविंग का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 8:9:20, तो आपका मान आ गया यहाँ पे 8 लिख दिया, ये लिख दिया 9 और ये यहाँ पे लिख दिया 20। आप लोग इसका आंसर निकालें, हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं आपके आंसर का, और देखते हैं कितने लोग इसका आंसर निकाल पाएंगे। बहुत सारे लोगों को इसका आंसर याद भी होगा, क्योंकि SSC में कई बार आया हुआ सवाल है, और आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देकर जाना, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपका 70 to 75% रिपीट होता ही होता है, क्लियर। तो देखते हैं, ऐसा नहीं कि आप डेटा याद करने लगो, ये मैं कह दिया तो आप टाइप जरूर याद करो, ठीक है, ओके, प्रो डेवलपर पॉइंट जी, थैंक यू। तो यहाँ पे अब हमको जो वैल्यू निकालनी है उस पर फोकस करना, हमें ए निकालना है, बी निकालना है और सी निकालना है, इनका सबसे पहले इनकम निकालना। तो आपको एरो के डायरेक्शन में ना फैक्टर का सीधा गुणा करते हैं, एरो के अपोजिट डायरेक्शन में ना तो फैक्टर का उल्टा गुणा करेंगे। तो ए का जो इनकम आएगा, हम अगर यहाँ पे लिखें तो इसको लिखेंगे 8 × 100/20 लिखेंगे, है ना, ऐसे बी का वैल्यू लिखेंगे, तो हम इनकम को यहीं पे बना दे रहे हैं, इसी को इनकम बना दे रहे हैं। तो इनकम बनाने के लिए आपने क्या किया, सॉरी इसमें गुणा कर दिया किसका, 100/20 का, उल्टा गुणा कर दिया इसके फैक्टर का, ऐसे इसमें भी गुणा कर दिया इसके फैक्टर का उल्टा गुणा, 100/15, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, इनकम में, इसमें भी गुणा कर दिया उल्टा गुणा, 100/25, ये भी इनकम में कन्वर्ट हो गया, 100 100 सारा सब में है, कैंसिल आउट कर दिया, क्लियर। टोटल हम आपको बता रहे हैं, आप जिसे परेशान ना हो। अब 5 से कट करते हैं, 5 से कट किया, 5 का 4 गुना, 5 का 3 गुना और 5 का 5 गुना, ठीक है। अब अगर कहीं कट रहा हो तो और काट सकते हो, जैसे 4 से कट रहा है तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 से कट रहा है 3 × 3 = 9 हो गया, ठीक है, 5 से कट रहा है 5 × 6 = 20 हो गया। तो हमारी जो वैल्यू आई यहाँ पे कितनी आ गई, 2:0, यहाँ पे वैल्यू कितनी आई है, ओनली 3:0, यहाँ पे कितनी वैल्यू आई, 4 × 4:0। तो आपका जो इनकम का रेशियो हो गया है, वो इनकम का रेशियो होगा 2:3:4, तो इसका 2:0 होगा, इसका 3:0 होगा, इसका कितना होगा, 4:0, ये इनकम का रेशियो होगा, क्लियर है। अब हम आराम से लगा सकते हैं, ओके, अब मन्यू जी ने लगा लिया है, बी ऑप्शन बता रहे हैं, लेट मी चेक। तो यहाँ पे 2 और 3 कितना, 5 5 4 कितना होगा, 9, तो टोटल रेशियो होगा 9:9 का जो वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 72,000, तो 9:72,000, तो सॉरी 72,000, तो आपका 1:1 का मान आ गया, आप यहाँ पे लिखेंगे 1:1 का मान कितना आएगा, 9 × 72 = 8,000,
एक रिश्वान कितना है 8,000। अब हमको क्या बताना है, ए की सैलरी बतानी है। क्लियर, ए की सैलरी निकालने के लिए ए का मान कितना है 2 रेशियो, तो 2 का 8 गुना कितना होगा 16, तो 16,000 रुपये आ जाएगा आपका आंसर। आपका आंसर आगे बी ऑप्शन। ओके वेल डन, बहुत अच्छे, सभी लोग समझ पाए क्या, सभी लोग इसे समझ पाए। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हुई है तो आप लोग कमेंट करें और पूछें ताकि हम आपको समझा दें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो गए, ठीक है। क्योंकि जब कभी इस तरीके का सवाल आए तो आप उसे लगा सकें, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो तुरंत कमेंट करके पूछें, ठीक है। कहा जाता है 5 मिनट, ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं 5 मिनट का जो पूछना है उसको मूर्खता समझते हैं, लेकिन अगर आप 5 मिनट में वो नहीं साहस करके पूछ पाते तो फिर जिंदगी भर आप मूर्ख बने रहते हैं। मूर्ख मतलब इनसेंस ये कि वो मिस्टेक आपसे होती रहती है और वो फिर फाइनली कभी खत्म नहीं होती, तो फिर क्या है सिलेक्शन में कहीं ना कहीं बाधा पड़ जाती है। मूर्ख का मतलब वो वाला मूर्ख नहीं, मूर्ख का मतलब ये होता है कि आप सिली मिस्टेक्स नहीं अवॉइड कर पाते, फिर आपका वो कंटिन्यूस मिस्टेक्स होती ही रहती है। क्लियर, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 2 सॉल्यूशन दिए गए हैं, 2 पदार्थों की शुद्धता क्रमशः 90% और कितनी 97% दी गई क्वेश्चन में। अब कहा जा रहा है उन दोनों को एक दूसरे मिला दिया जाता है जिससे कुल टोटल कितना बनाया गया 21 लीटर मिश्रण बनाया गया है, जिसमें जिसका जो अब शुद्धता है वो कितनी हो गई 94% हो गई। तो आपसे कहा जा रहा है दूसरा वाला जो पदार्थ है उसकी मात्रा कितनी, ये आपको निकालना है। अब तक बहुत सारे लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, तो आपको एक चीज हम बताते हैं, जब कभी दो चीजों और उनके मिक्सचर की बात की जाए, जब कभी दो चीजों उनके मिक्सचर की बात की जाए, मिश्रण की बात की जाए, है ना, तो वहां पे एलिगेशन लग सकता है, चाहे वो मिक्सचर हो चाहे कोई भी चीज हो। जैसे अभी ए जाएगा वहां पे भी हम आपको मिक्सचर एलिगेशन लगा के समझाएंगे, ठीक है। तो जब कभी भी दो चीजों और उनके कॉम्बिनेशन की बात की जाए, कॉम्बिनेशन मिक्सचर मतलब कॉम्बिनेशन, जब कभी भी दो चीजों उनके कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो वहां पे आप एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ए वाला हमने ए मान लिया और बी को हमने बी मान लिया, दूसरा वाला हो गया, ए का 90% है और बी का हमारा कितना है 94%। इनका जो कंबाइन करते हैं, सॉरी 94 नहीं गलत लिख गया, ये कितना है बी का 97 बी का 97 है। अब कंबाइन जो बन के आ रहा है वो 94 हो गया। क्लियर, अब इससे इसको माइनस कर दो, ये जितना माइनस हुआ है ये यहाँ लिख दिया, इसको इससे माइनस कर दो, ये इधर लिख दिया। अगर ये आपस में कट रहे हैं तो काट दो, अदरवाइज यही रेशियो का 3:4। ये रेशियो किसका आया है, ये 90% है, 97% है, 94% परसेंट मतलब एक क्या कंसंट्रेशन का कंपेयर किससे, ए की टोटल वैल्यू से, ए की टोटल वैल्यू से। तो ये जो रेशियो आएगा ए की टोटल वैल्यू और बी की टोटल वैल्यू का आया। क्लियर, तो आपका टोटल ए और बी, ए 3 रेशियो का तो बी 4 रेशियो होगा, तो इनका अगर कंबाइन करेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 3 4 कितना हो जाएगा 7, तो 7 रेशियो बन जाएगा। इस 7 रेशियो, 7 रेशियो का मान क्वेश्चन में दे रखा कितना 21 लीटर, कितना दे रखा है 21 लीटर, तो 7 रेशियो का मान 21 लीटर हो गया है। अब आपने कहा 7 बराबर 21 है तो आपका 1 रेशियो बराबर कितना आएगा 3 लीटर आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर 3 लीटर आ जाएगा। अब हमें बताना दूसरे पदार्थ की मात्रा, दूसरा मतलब ये 4 वाला, तो 4 × 3 कर देंगे, 4 × 3 करेंगे, 4 × 3 कितना आएगा 12, तो हमारा आ जाएगा 12 लीटर आंसर। आंसर क्या आ जाएगा 12 लीटर। आई होप सब लोग समझ पाए होंगे। चेतना जी ने फिर से थोड़ा सा फास्ट वर्कआउट कर दिया है ना, हमें क्या करना है क्वेश्चन को बहुत भली बात समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ना, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। अक्सर हमें पहला वाला पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया दूसरे पदार्थ की मात्रा, दूसरे पदार्थ की मात्रा मतलब 97% वाले की वैल्यू, चाहे आप लेफ्ट लिखते चाहे राइट साइड लिखते, लेकिन 90% वाला दूसरा है ना यहाँ पे, तो 90% वाले का मान निकालेंगे, 90% के हिसाब से चाहे 4 रेशियो, तो 4 रेशियो का मान कितना आएगा, सॉरी ये हमने भी लिख दिया गलत, हाँ ठीक तो लिखा है सॉरी, हाँ 4 रेशियो मान कितना है 12 लीटर, 12 लीटर आएगा, तो 4 रेशियो, क्योंकि 1 रेशियो बराबर 3 था, तो 4 बराबर कितना है 3, सॉरी 4 बराबर कितना है 12, तो आपका आंसर आ गया 12 लीटर। क्लियर, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन, आजकल क्या है डेली ट्रेनिंग चल रही है अभी ऑफिस में, तो कहीं ना कहीं बहुत थक जाते हैं, पूरा दिन ट्रेनिंग अटेंड करते करते देन आफ्टर तो थोड़ा सा माइंड थका हुआ रहता है, इसलिए ऐसा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिन में सब ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी।
यहाँ लिखा है एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो क्रमशः शांत, ये शांत थोड़ा सा ऐसे लिखा जाएगा, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल बतानी। क्लियर? तो बहुत आसान है। धारा की साथ अगर शांत जल में नाव की चाल एक्स है और नाव की चाल शांत जल में एक्स है और धारा की चाल अगर वाई है अपने आप में, क्या है वाई, तो धारा के साथ में एक्स प्लस वाई हो जाती है नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में हो जाती है एक्स माइनस वाई। अब कोई भी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कहा गया धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर चलता है 6 घंटे में। विपरीत मतलब एक्स माइनस वाई। तो 24 किलोमीटर चला, 6 घंटे लिया तो कितना आया स्पीड, 4 किलोमीटर पर आ रहा है। ऐसे ही कहा गया धारा की दिशा में 20 किलोमीटर जाता है और 4 घंटे लेता है, तो अगर 20 किलोमीटर गया 4 घंटे में गया तो कितना आया, 5 किलोमीटर पर आ रहा है। क्लियर है? अब हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं x प्लस वाई का मान 5 दिया, x माइनस वाई का मान 4 दिया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर x का मान कभी भी दो चीज़ों का योगफल दिया गया हो, दो ही चीज़ों का डिफरेंस दिया गया, तो मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर आप जोड़कर आधा कर दोगे तो बड़ी वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर आप जोड़कर आधा कर दोगे तो आपको बड़ी वाली वैल्यू मिल जाएगी और अगर आप घटा के आधा कर दोगे तो आपको छोटी वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने कहा यहाँ पे जोड़ा, 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9। 9 का आधा कर देते कितना है, 4.5। तो 4.5 किसका मान आ गया, x का। और x 4.5 आया तो ये नहीं ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा, तो b ऑप्शन हो गया, हमें दूसरा मान निकालने की जरूरत ही नहीं। अगर आप फिर भी निकालना चाह रहे तो y का मान आएगा, दोनों को घटा दो उसका आधा, घटाया तो आया 1 और 1 का आधा किया तो आया 0.5। तो आपकी y की वैल्यू मतलब धारक चाल कितनी आएगी, 0.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, वेल डन, बहुत अच्छे सभी लोग आंसर कर रहे हैं। लेकिन बाई मिस्टेक कुछ लोगों ने गलत भी लिख दिया है, हम समझ गए उन्होंने कैलकुलेशन किया होगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई होगी, नेक्स्ट आप देख लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है द सिंप्लीफिकेशन ऑफ, अब ये वाला सवाल लगाओ जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे लिख लो, क्योंकि इसको कुछ लोग बहुत गलत तरीके से लगाते हैं, तरीका जो है वो बहुत गलत इसमें लगाते हैं, वो हम आपको समझाने चाह रहे हैं कि गलत तरीका नहीं लगाना आपको, इस सब सवालों को आप सेकंड भर में कर सकते हैं और किस तरीके से वर्क करेंगे वो हम आपको समझाने वाले हैं। तो आप सबसे पहले तो इसका आंसर मार्क करो, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि आप कौन सा तरीका लगाने वाले हैं, आप गलत डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं या राइट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, ओके, तो आप इसे पहले इम्प्लीमेंट करें और आप इसका आंसर कमेंट करें फास्ट, ताकि हम डिसाइड कर पाएं कि आपको चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, बस इतना ही हम जानना चाह रहे हैं और कोई भी चीज़ जानना नहीं चाह रहे। इसका शॉर्टकट भी है, वो भी हम आपको बताएंगे, इसको हम पहले सही तरीके से बताएंगे, देन आफ्टर दैट इसका शॉर्टकट भी बताएंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करें क्या आएगा आंसर। चलिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको पहले कन्वर्ट करते हैं, इसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, 69 डिवाइड बाय 99 और पता नहीं क्या क्या, सॉरी 63 डिवाइड बाय 99 और पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते रहते हैं। ये सब चीज़ें करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं। खैर, फिलहाल यहाँ पे जो आप डिवाइड बाय 99 करोगे तो भी इजीली आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों में बार बार दो बार लगा है। ठीक है, दो पर बार लगा तो उस तरीके से भी आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। लेकिन मान लो कल को किसी में 3 बार लगा होता, किसी पे 2 ही बार लगा होता, किसी पे 1 बार लगा होता, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम आपको इस सब के लिए एक सोल्यूशन लगा बता देते हैं, रामबाण आपको बता दे रहे हैं। ठीक है ना, कहते हैं बरेली का सुरमा रामबाण। ठीक है, उसी तरीके से तो रामबाण सोल्यूशन आपको बता रहे हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो वैल्यू लिखी गई इसको ब्रेकआउट कर लेना है और एटलीस्ट सिक्स टाइम लिखना, आफ्टर पॉइंट कम से कम 6 बार लिखना। अगर ज़्यादा बार लिखोगे तो आपका और कम चांस होगा गलत होने। अब आएगा इसका मतलब आया 63 और 63 और 63। क्लियर, अब ऐसे ही
आपका जो मान दिया गया 37, तो इसको आप लिखोगे कितना आएगा 0.3737। इस जो हम तरीका बता रहे हैं इससे कभी लाइफ में गलत होगा ही नहीं सवाल, ठीक है। अगला मान लिख लिया 0.80, है ना। पॉइंट के बाद जीरो कभी मैटर नहीं करता, लेकिन बाद में जीरो मैटर करता है। ओके, आपका मान आएगा 0.808080। आप इनको ऐड कर दो इधर से, 3 7 10 10 0 10 एक कैरी में आया, 6 3 9 और 8 कितना 17, और एक कैरी वाला 18, एक कैरी में आ गया। यहाँ देखते हैं 7 3 10 10, और यहाँ पे कितना आया 0 10, और एक कैरी वाला कितना आ गया आपका 11 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं आपका वैल्यू आया 6 3 9, और है ना एक कैरी में है हमारे पास 9 और 8 कितना हुआ 17 और 1 18 हो गया, एक कैरी में फिर से आ गया। यहाँ जोड़ते 10 और 1 11 हो गया, ठीक है। एक कैरी में आ गया 6 और ये 9 और ये 17 1 18 हो गया, ठीक है। एक कैरी में आ गया, ये आगे फॉरवर्ड कर दिए, ये इतना आ गया। अब आपको ध्यान से देखना कि रिपीटिशन कहाँ पे हो रहा है, रिपीटिशन कहाँ पे हो रहा है। तो आपने लिख दिया इसको 1 पॉइंट, और कितना रिपीट हो रहा है 8181 रिपीट हो रहा है। अगर हम इसको एक अंक और इधर लिख देंगे, दो अंक इधर और लिख देंगे, तो हमारी वैल्यू ये 81 बन जाएगी और आगे 80 आएगा। इसमें तो हमें एहसास हो गया है कि रिपीट क्या कर रहा है 81, तो जो रिपीट कर रहा है उस पर बार लगा दो, बस आपका आंसर आ गया। क्लियर, जो रिपीट कर रहा है उस पर बार लगा दो, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, तो काफी सारे लोगों ने डी आंसर लगा दिया, और डी आपका आंसर नहीं है, डी आपका आंसर नहीं है, ठीक है। आपका आंसर कौन सा है, सिंपल सा बी वाला, सिंपल सा कौन सा है बी वाला, डी तो है ही नहीं, डी पे तो बार ही नहीं है, ठीक है। इवन आप ए वाला लगा सकते थे, इसमें बार दिया गया था, तो एक बार आप इसको लगा देते तो गलतियां मान लेते कि आप माइनस से मिस्टेक कर दे रहे हो, लेकिन इसमें से कुछ है ही नहीं, आपका केवल ए और बी में से कोई आंसर होना था, क्योंकि इसी में बार लगा है, तो आपका बी वाला आंसर होगा। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये मेथड। एक और हम आपको एग्जांपल समझा देते हैं, जैसे मान लो कल को ऐसे आपका कह दिया जाता 0.3 बार प्लस 1.63 बार, ऐसे आपसे कहा जाता इसका आंसर बता दो। अब आप इसको अगर कन्वर्ट करके लगाओगे तो सवाल टाइम लगेगा, आपको सिंपल सा लिख दो 0.3 को क्या लिखोगे 0.33333 कितनी बार, एटलीस्ट 6 टाइम, अगर ज़्यादा बार लिख लेते तो आपके लिए और सुकून रहेगा, है ना। अब यहाँ पे लिख लेते पॉइंट, सॉरी यहाँ पे 1 लिखा, क्या लिखा 1, तो आएगा 1.63 63 63 63। अब देखते हैं कितना है, 3 3 6 ये 9, यहाँ पे 6 यहाँ 9, यहाँ पे 6 यहाँ पे 9, यहाँ पे 1। अब देखो आपको एहसास हो रहा है 96 रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है 96, तो आपका आएगा 1.96 बार। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि यार अगर मान लो यहाँ पे 6 होता तब हम क्या करते, अगर मान लो यहाँ पे 6 होता तो क्या होता, हम यहाँ पे 6 लिख ले रहे हैं, हमें क्या समस्या है। तो अगर हम यहाँ पे 6 लिख लेते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन क्या बन जाता, सिंपल सा। आप समझ लो कि जो चीज़ें आपको समझाई जा रही है ना, क्योंकि बार बार आपको चीज़ें नहीं समझाई जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि हमारा एक तरीका है पढ़ाने का कि अगर आपको कोई भी चीज़ नई चीज़ मिलती है तो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, भले ही वहाँ पे काफ़ी लोगों को आ रहा होता है तो वो लोग क्विट कर जाते हैं, नो इशू। हमें तो आपको स्ट्रांग बनाना है, जिसको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो जड़ से रिमूव कर देना है वो कन्फ्यूजन। अभी ऐड करते हैं 6 3 9 हो गया, 6 6 12 12 है ना, ये 2 लिख दिया, और 6 3 9 9 1 10 है ना कैरी वाला, ठीक है। 12 में एक कैरी आया था ना, तो ये 6 3 9 9 1 10 हो गया, ठीक है। अब एक कैरी आ गया, अब आपका यहाँ 6 6 12 1 13 हो गया, ठीक है। एक कैरी आ चुका आपके पास 6 3 9 और 1 10 हो गया, ठीक है। अब एक कैरी है आपके पास फिर से 6 6 12 1 कैरी 13 हो गया, यहाँ कितना आया 2। अब आप ध्यान से देखो क्या रिपीट कर रहा है, क्या रिपीट कर रहा है। अगर आप यहाँ पर और संख्या लिखोगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, आगे 29 आएगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो, इसको अगर हम लिखें इसका आंसर, तो इसका आंसर कितना आएगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इजिली आप लिख सकते हैं इसे क्या आएगा, 2.30 और बार, ऐसा नहीं कि 3 पे बार लगा दो 0 हटा दो, बार में 0 का महत्व तो होता है। क्लियर, तो आपका जो आंसर आएगा 2.30 आएगा बार। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि आप इससे इजी वे में लगा सकते हैं, चाहे प्लस कर रहा हो चाहे माइनस कर रहा हो, आप यही मेथड लगाओ, आपका कभी लाइफ में गलत हो ही नहीं सकता सवाल बार डेसिमल का, योगफल और सब्स्ट्रैक्शन वाला। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है यदि एक संख्या एक्स वाई से 10% कम हो, ये हो लिखा है, हो लिख गया है, तथा वाई 125 से 10% अधिक हो,
है ना, अधिक है तो x x किसके बराबर है, बहुत आसान दिया गया, x y और 125 में कुछ इन्होंने कंपेयर कराया है। क्या कराया कंपेयर, इन्होंने कहा x y से 10% कम है, कंपेयर x का हो रहा है किससे हो रहा है, y से, कितना कम है 10%। तो हमने कहा ठीक है 10% कम है, और y 125 से 10% ज्यादा है, इसका तो y ज्यादा है किससे, 125 से, कितना ज्यादा है 10%। अभी इसका हम शॉर्टकट भी बता देंगे, तो ये हमने यहां लिख लिया 10%। ठीक है, अब हमने आपको बताया फैक्टर, अगर इसका लिखना 10% कमी का फैक्टर कितना है, 90/100 मतलब 9/10। इसका फैक्टर लिखना 10% वृद्धि का फैक्टर कितना आएगा, 100 में 10 जोड़ दिया 110, 110/100 मतलब 11/10। आपको हमने हमेशा बताया कि एरो डायरेक्शन में आना तो फैक्टर का सीधा गुणा कर दो, चेन रूल कहता है, अगर आपको अपोजिट जाना तो फैक्टर का उल्टा गुणा कर दो। तो हमने कहा 125 से सबसे पहले वाई पे आते हैं, तो 125 से वाई पर आने के लिए क्या किया, 11/10 कर दिया। ठीक है, और वाई पर आ गए, ये वाई की वैल्यू हो चुकी, अब हम वाई से एक्स पर आना चाह रहे थे, फिर से एरो के डायरेक्शन में आने से फैक्टर का सीधा गुणा कर देंगे, 9/10, ये 10 दिया गया, 10 कितना होगा 100, और 100 हो गया, 100 को कट करते 125 तो 5 आया यहाँ पे, यहाँ कितना आया 4। ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो आप पॉइंट लगा देना बाद में, समस्या नहीं, तो हमारे हिसाब से पॉइंट लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, डबल पॉइंट लगाओगे, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 99 और 125 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 125 का आपको मल्टीप्लाई करना है 11 × 9 में, तो हम सबसे पहले 9 × 125 कर लेते हैं। इसका तरीका हम आपको बता चुके हैं, क्या आएगा 125 जीरो माइनस कर दिया 125, ठीक है, तो आपका कितना आएगा, ये सिंपल सा आएगा 5 2, है ना, 2, और यहाँ पे कितना आएगा 1125 आएगा आपका मान, इसका मल्टीप्लाई 9 के साथ। अब इसको गुणा करना है 11 से, तो 11 से गुणा करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा 5 लिखा, इसमें अगला टर्म जोड़ दिया कितना आया 7 आया, फिर इसका अगला टर्म जोड़ दिया कितना आया 3 आया, इसमें अगला टर्म जोड़ दिया 2 आया, फिर अगला टर्म जोड़ने चले कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पे एक लिख दिया, डिवाइड बाय 100 है, तो 100 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो आपका आंसर आया 123.75, आपका आंसर आ चुका है 123.75, आपका आंसर आ गया। क्लियर, आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे, आंसर आएगा डी, विपिन जी बिल्कुल सही है आप, तो आंसर आएगा 123.75। बहुत सारे लोग उल्टा गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है, आपको उल्टा गुणा नहीं करना भाई, यहाँ पे चेन रूल में एरो के डायरेक्शन में जाना था, फैक्टर का सीधा गुणा करते, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, एक इसका शॉर्टकट भी है, इसका शॉर्टकट भी है हमारे पास, और कैसे है वो हम आपको बता दे रहे हैं, सक्सेसिव चेंज किया जाए, जब कभी का आपको दो बार सक्सेसिव चेंज किया जाए, के परसेंट और के परसेंट, एक पर बार के परसेंट की वृद्धि की जाए, एक बार के परसेंट की कमी की जाए, चाहे पहले वृद्धि की जाए चाहे बाद में वृद्धि की जाए ये मैटर नहीं करता, अगर के परसेंट की वृद्धि की जाए और के परसेंट की कमी की जाए, तो ओवरऑल जो ओवरऑल वैल्यू होती है वो के स्क्वायर बाई 100% कम हो जाती, ओवरऑल वैल्यू के स्क्वायर बाई 100% कम हो जाती। अब हम देखते हैं इसका यूज यहाँ पे कैसे कर सकते थे, आपने 10% कम किया और 10% बढ़ाया था यहाँ पे, तो इसका मतलब इससे जो ये वैल्यू होगी एक्स, ये कम होगी, कम होगी तो ऑब्वियसली बात कम वाला आंसर रहेगा, 125 से कम कौन सा है, ये भी कम है नहीं है, ये भी कम नहीं है, ये भी कम नहीं, तो आपका आंसर खाली एक ही बच रहा है डी, आपने आंसर मार दिया और आगे बढ़ गए। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं यार मुझे तो चेक ही करना है कि कितना आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करोगे, 10% 10% है ना, तो आपने कहा 10 × 10 कितना है 100 100/100 मतलब कमी जो होगी, जो आपकी कमी होगी वो सिंपल से कितनी हो जाएगी 1% के बराबर, किसके बराबर हो जाएगी, 1% की कमी के बराबर हो जाएगी, तो 125 का 1% निकाल दो, 125 का 1%, तो अब हम क्या करते हैं 1% निकाल के इसमें से कम कर देते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, तो 125 हमने यहां लिख लिया। ठीक है, अब इसका 10% कितना आएगा 12.5, 1% कितना आएगा 1.25, अब 1.25 कम कर दो इसमें से, डबल जीरो लगा लिया आगे, यहां कितना आएगा 7.5 आएगा, यहां पे आया 24, 4 से 1 गया कितना आया 3, यहां पे कितना आया 2 और 1, तो आपका आंसर सिंपल इजीली आ गया 123.75, बहुत आसान तरीके से आपने आंसर लगा लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं, फास्ट वर्क करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ए तथा बी एक साथ किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, बी अकेले उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले 4 दिन में तक कार्य करता है,
इसके बाद ए उस कार्य को समाप्त करता है तो कार्य कितने दिन में लगेगा? कह रहे ए और बी दो लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और कितने दिन तक? 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क हम मान लेते हैं इनका एलसीएम कितना है, 24। ए की स्पीड, ए और बी की कंबाइन स्पीड कितनी आ गई? 3 आ गई, 8 से डिवाइड किया, 12 से डिवाइड करते थे कितना आ गया? 2। इसका मतलब बी की कंबाइन, बी की स्पीड 2 है, ए और बी की कंबाइन स्पीड कितनी है? 3 है। देखो यहाँ से आप इजीली ए की स्पीड निकाल सकते हैं, ए की स्पीड कितनी आएगी? 1। ए की स्पीड कितनी आएगी? 1। ओके यहाँ तक। अब क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ कहा जा रहा है बी ने 4 दिन तक अकेले काम किया, तो 4 दिन तक बी अकेले काम करेगा, तो 4 दिन में बी अपनी इफिशियंसी कितनी? 2 की स्पीड से काम करेगा, तो कितना रेशियो काम कर लेगा? 8:1 काम कर लेगा। कितना काम कर लेगा? 8:1 काम कर लेगा। तो इस 24 से 8 कम कर दो, 24 से 8 कम कर दे, तो हमारे पास कितना काम बचा? 16:1। तो जो बाकी बचा काम है वो है 16:1। इस काम को किससे करवाना है? तो आपने कहा ए से करवाना है, ए से इस काम को कराना है। तो ए की स्पीड कितनी? 1। 16/1 इतना समय लगेगा किसको? ए को रिमेनिंग वर्क करने में। तो रिमेनिंग वर्क करने में कितना दिन लगेगा? 16 दिन। कितना लगेगा? 16 दिन लगेगा। आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप सभी लोगों ने इसको समझ लिया होगा और इम्प्लीमेंट कर लिए होंगे। बस थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम होती है, बस ये कि समझना होता कि कैसे इसको ब्रेक करना है। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि ए, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। सभी लोगों ने आंसर किया, ओके वेल डन, बहुत अच्छे, राहुल, सोनी जी, अजय जी, चेतना जी, है ना, अभिमन्यु जी। यहाँ कहा जा रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक, ए का वेतन जो है वो कंपेयर हो रहा है बी से, बी के वेतन से 30% अधिक है। हमने कहा ओके, तो कह रहे हैं बी का वेतन ए के सापेक्ष कितना होगा? बहुत बेहतरीन सवाल है और इजी वे में आप इसे लगा सकते हैं, हम आपको समझा दे रहे हैं। दो तरीके हम आपको समझाएंगे, थोड़ा सा समझना। पहला तो तरीका है आंखें बंद करके आप लगा लो, जिसमें दिमाग ही नहीं लगाना। दूसरा तरीका, आंसर जल्दी आएगा लेकिन उसमें थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो आपको मैं दूसरा वाला तरीका एकदम इस तरीके से घोल के पिला दूंगा कि आप उसी से लगाया करोगे। तो पहला तरीका हम सबसे पहले देखते हैं, जिससे कंपेयर होता है हमेशा वो अपने आप में वैल्यू क्या होती है? 100%। तो हमने मान लिया बी कितना है? 100:1। बी कितना है? 100:1 है। तो 100:1 अगर बी है तो ए उससे 30% ज्यादा है, तो 30% ज्यादा, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 130। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 130। इतना ओके हो गया। अब कहा जा रहा है कि बी का वेतन प्रतिशत कितना कम है, बी का वेतन कितना कम है, तो कंपेयर किसका हो रहा है? बी की कमी का। तो 130 से 100 कितना कम है? तो आपने कहा 30:1 कम है, वो कमी का मान ऊपर, और किससे कंपेयर हो रहा है? ए से, तो ए का मान नीचे, इनटू में 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ गया कि कितना कम है ए, ए कितना कम है, ये आपका आंसर आ गया, आंसर आ गया, ये 0:0 कट गया, ये आ गया 300/13। क्लियर? सॉरी थोड़ा सा बैटरी डाउन हो रहा है। 300/13, तो हम 13 से डिवाइड करते हैं, 13 का कितना है? 13 × 26 है ना, 4 बचा 40 होगा, 13 × 39। अब यहाँ पे कितना बचा? सिंपल सा 1 बचा 1/13। तो आपका आंसर आएगा 23 सही 1/13%। ओके, आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे। अजय जी वेल डन, बहुत अच्छे। तो 23 सही 1/13 आ गया आपका आंसर। अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्टकट से लगाने की कोशिश करते हैं, आपको थोड़ा सा समझाते हैं। मैं थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज हो रही है इसलिए हमें लग रहा है, हो सकता है कि आपको, चलिए एक ही क्वेश्चन बचा तो हम आपको समझा दे रहे हैं यहाँ पे, अभी एक और क्वेश्चन है। तो समझाने का तरीका क्या है? ए और बी आप ऐसे लिख लो, ए और बी, ठीक है। जब कभी भी ए और बी ऐसे लिखा, फ्रैक्शन लिख लिया सिंपल सा, जब कभी भी कोई चीज़ कम करते हो, क्या करते हो? कम करने के लिए आपको क्या करना होता है? देखो ऊपर का मान कभी नहीं बदलेगा, ऊपर का मान कभी नहीं बदलेगा, ए ही रहेगा। नीचे का मान या तो फिर ए प्लस बी आएगा, हम थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे। आपको क्या करना, सिंपल सा फ्रैक्शन लिख लेना, या तो फिर आपका आंसर ए डिवाइड बाई ए, है ना, ए डिवाइड बाई बी माइनस ए होगा, या फिर
ए डिवाइड बाई बी प्लस ए होगा। ठीक है, जब कभी भी कमी निकालना हो, कमी कब होती है, जब वैल्यू जो फ्रैक्शन वाली नीचे वाली है वो बढ़ जाती, तो कमी के लिए आप प्लस करोगे। ठीक है, और जब कभी वृद्धि करना हो तो अब वृद्धि कब होगी, जब नीचे का मान छोटा होगा तो ये वृद्धि के लिए ये लगाओगे। बस ये तरीका है आपको। जैसे हमने कहा यहाँ पे वैल्यू क्या दी गई 30%, तो 30% का फ्रैक्शन लिख लेते हैं, 30% का फ्रैक्शन लिख लेते हैं। 30% फ्रैक्शन कितना आएगा, 30/100, 30/100 कर लो आप, तो इसको लिख लोगे सिंपल सा 13/10। 30% का फ्रैक्शन का मान जो आएगा वो कितना आएगा, सॉरी 13/10 नहीं, 3/10, 3/ सॉरी क्या लिख जा रहा है, बार बार क्लिक हो जा रहा है, कभी कभी सॉफ्टवेयर भी सपोर्ट नहीं करता। तो 30% का फैक्टर लिख लेते, तो कितना आएगा 30/100, इसको आप इजीली लिख सकते हो 3/10। ठीक है, अब आपको क्या बताना, आपको बताना है कितना प्रतिशत कम है, कमी। ठीक है, कमी बताना है, तो कमी में आपको क्या करना है, सिंपल सा जो आपका आंसर रहेगा, ऊपर वाली वैल्यू तो वही रहेगी 3, कमी मतलब नीचे वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दिया कितना है 13, 3/13 इंटू में 100 कर दिया, आपका आंसर आ गया। क्लियर, ऐसे वृद्धि बताना होता तो आप माइनस वाला लगा देते ना। चलिए होप सो आप समझ पाए होंगे इस मेथड को, नहीं समझ पाए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब हम आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे तो आपको एक बार फिर से बताएंगे बहुत आसान तरीके से। ओके, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, 17। द एवरेज एज ऑफ कपल जो दिया गया 23 साल है, जब उनकी शादी हुई थी 5 साल पहले, औसत दी गई है कितना, 5 साल पहले, कपल में तो दो लोगों का औसत दिया गया है कितना, 5 साल पहले। आप ऐसे समझ लो, जब कभी भी एक ग्रुप दिया गया हो उसमें सभी ग्रुप के हर एक मान में कुछ वैल्यू जोड़ी जाए तो ओवरऑल एवरेज में उतनी वैल्यू जुड़ जाती, एवरेज में उतनी वैल्यू जुड़ जाती। ठीक है, तो अगर अगर पति पत्नी का, पति पत्नी मतलब